हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग गलती से जो आप फाइल्स को डिलीट कर देते हो, फोटोज को डिलीट कर देते हो, उसको अपने फोन में दोबारा वापस कैसे ला सकते हो। तो ये ट्यूटोरियल बहुत ही खास है और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक का देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने यूसी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपने ओपन करना है viralhacks.com/recover, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, डायरेक्टली वहां से भी जा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है। दोस्तों मैंने यूट्यूब पे और भी वीडियोस देखे थे, लेकिन उन वीडियोस में या तो डायरेक्टली पीसी से रिकवर करने का मेथड था या फिर एक डम्पस्टर नाम की एप्लीकेशन रहती है जो रिसाइकल बिन की तरह वर्क करती है, वैसे ट्यूटोरियल मेरे को यूट्यूब पे देखने के लिए मिले। तो मैंने सोचा कि मैंने इस चीज पे भी एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में अपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जाना, यहाँ पे लिखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड डिस्क रिकवर प्रो APK। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे पेज पे आ जाएंगे और नेट थोड़ा स्लो हो गया, यहाँ से आपने इसे डाउनलोड करना है। तो 1 MB का एप्लीकेशन है और जियो यूज कर रहा हूँ मैं, तो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है और ये डाउनलोड सक्सेसफुल हो गया। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन के लिए आपको अपने फोन को रूट करने की जरूरत पड़ेगी, तो रूट के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख सकते हैं, और मेरी वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वहां से आप फॉलो करके अपने डिवाइस को रूट कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और ओपन करने के बाद ये रूट की परमिशन मांग रहा है, इसको आपने अलाउ करना है। तो मेरा डिवाइस ऑलरेडी रूटेड है। यहाँ पे आपको डेटा पे सिलेक्ट करना है, ये आपकी मेरी फोन स्टोरेज है। अगर आपकी SD कार्ड में है तो यहाँ पे आपका SD कार्ड भी दिखा देगा, और सिस्टम में से कोई फाइल रिकवर करनी है तो वहाँ पे भी आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटा पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे डिफॉल्टली GPG सिलेक्ट होता है। आप चाहो तो कोई भी फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको रिकवर करनी हो, यानी कि आप उल्टी सीधी फाइल से बचना चाहते हो, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर MP4 फाइल रिकवर करनी है, तो आप ओनली MP4 सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि बाकी के फोटोज वगैरह में अपना टाइम ये वेस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे तो मैं JPG सिलेक्ट रहन दूंगा, क्योंकि मुझे अभी बस ये चेक करके दिखाना है। तो यहाँ पे रिकवर करने के लिए हमारे पास कोई फाइल होनी चाहिए जिसको हम रिकवर करेंगे। तो गैलरी में देखते हैं, अभी यहाँ पे कोई फोटो नहीं है। यहाँ पे मैं कैमरा ओपन करूंगा और अभी यहाँ की लाइव ये फोटो एक ले लूंगा। कैमरा इसका बहुत खराब है फोन का, मैंने फोटो ले लिया, अब देख सकते हो गैलरी में फोटो आ गई है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। एंड देन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मैं इसको किस लोकेशन पे रिकवर करूंगा। ये एंड्रॉइड का फोल्डर है, इसमें मैं इसको, यहाँ पे फाइल पड़ी है, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ और इस लोकेशन पे मैं इसको रिकवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे डिस्क रिकवर प्रो ओपन करूंगा और यहाँ पे स्टार्ट PC फोटो स्कैन पे क्लिक करूंगा। अरे ये सारी फोटो इसने रिकवर कर दी है, तो इसको मैं पॉज कर दूंगा और यहाँ से जब स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो इन्हीं में से शायद से हमारी फोटो रिकवर हो चुकी है। अगर आपको लगता है कि आपकी फोटो रिकवर नहीं हुई है, आप इसमें चेक कर सकते हो, तो आप जो है इसको दोबारा से प्ले कर सकते हो। तो प्ले करने के बाद में इसे नीचे फोटोज आती जाएंगी और ये जो है इसने लास्ट तक कम्प्लीटली हमारी फोटो रिकवर कर दी है। तो ये मैंने पहले खींची थी, टेस्ट कर रहा था मैं इसको कि वर्क करता है या नहीं, यहीं की अभी की, तो इसलिए मैं इस फोटो पे क्लिक करूंगा और इसको यहाँ पे रिकवर बटन पे क्लिक करके रिकवर करूंगा। तो यहाँ से आप इसको चाहो तो डायरेक्टली गूगल ड्राइव में या फिर ईमेल में इसको शेयर कर सकते हो, और चाहो तो अपने फोन मेमोरी में सेव कर सकते हो और FTP भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली सेव करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने जैसा बताया था एंड्रॉइड के फोल्डर में, और मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूंगा। ये बता रहा है सेविंग फाइल, और यहाँ से जाएंगे अब SD कार्ड में और देखते हैं फाइल हमारी सेव हुई है या नहीं। एंड्रॉइड, और ये आप देख सकते हो फाइल हमारी सेव हो चुकी है। तो दोस्तों ये था ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले ऐसे ही इंडिया टेक वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों मैं जितेंद्र सिंह आपको फिर मिलूंगा एक ऐसे ही इंडिया टेक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए वायलैक्स के साथ।